हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज, हाजिर हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और फ़ोटो एडिट करके यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले हम अपने उस फ़ोटो को यहाँ पर सर्च करेंगे, यानी ढूंढेंगे, जो कि हमारे फ़ोटो गैलरी में होगा। तो आ चुके हैं हम अपने गैलरी में और अपने उस फ़ोटो को यहाँ पर सर्च कर लिया है। इस फ़ोटो को हम एडिट करके दिखाएंगे और यहाँ से हम मोर के ऑप्शन पर जाकर हम अपने फ़ोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और यहाँ पर हम यहाँ पर अपने टूल्स का प्रयोग करके फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से एडिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो एक काम आप लोग करेंगे गाइस, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे नहीं सीख पाएंगे। तो ये हमारा फ़ोटो लाइट रूम में ओपन हो चुका है, अब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने टूल्स का, यहाँ पर लाइट टूल्स है, इसका प्रयोग करेंगे और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, कंट्रास्ट है, हाईलाइट्स है, शेडो है, यहाँ पर हम वाइट्स है, ब्लैक्स है, यहाँ पर ब्लैक्स देख सकते हैं। इन सभी का जो लेवल है अपने हिसाब से आपको सेट करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक बारीकी को आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड है, यहाँ पर ल्यूमिनस भी देख सकते हैं, इसका लेवल है, जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये है लाइट रूम एप्लीकेशन, जिसमें कि हम अपने फ़ोटो को लाकर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड जो भी होता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शार्पिंग, मास्किंग, कलर नॉइज, डिटेल है, रिवर्ब, क्रोमेस्टिक। तो इसको इतना करने के बाद आप देख सकते हैं लेंस प्रोफाइल है। अब यहाँ से अपने फ़ोटो को हम शेयर कर देंगे। फ़ोटो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा। फ़ोटो हमारा पूरी तरह से लोड हो चुका है और इसको हम अपने अगले एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, जिसका नाम है लाइटर स्नैपशीट, देख सकते हैं आप। और हमारा फ़ोटो जो है स्नैपशीट में ओपन हो चुका है। अब स्नैपशीट में अपने फ़ोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टूल्स का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है सेलेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उस एरिया को सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमको उसका ब्राइटनेस घटाना या बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, तो इसको इसमें आपको कई यहाँ पर टूल्स मिलेंगे, देख सकते हैं डिटेल्स है, डिटेल्स में आप जाएंगे यहाँ पर और अपनी फ़ोटो को जूम करके और स्क्रीन को थोड़ा सा आप सिलेक्ट करके उसको क्लीन कर लेंगे। सिलेक्टिव है, ओरिजिनल है, यहाँ पर देख सकते हैं लुक्स है, टूल्स है। तो टूल्स में पुनः जाएंगे और यहाँ पर हीलिंग को सिलेक्ट करेंगे और जो रिंकल, जो दाग धब्बा दिख रहा है चेहरे पर, उसको हीलिंग टूल्स के माध्यम से हम यहाँ पर सही कर लेंगे। हीलिंग भी हमारा सेव हो चुका है और इसको हम अब अपने अगले एप्लीकेशन में ओपन करेंगे शेयर करके। फ़ोटो को वहाँ से डायरेक्टली सेव करके स्केच में हम आ चुके हैं। स्केच बुक ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें लाइब्रेरी में जाएंगे और इसमें एक ब्रश सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और उस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद फ़ोटो को जूम करके आप यहाँ पर हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, देख सकते हैं आप कितना अच्छे से हमारा जो फ़ोटो है इसका पूरा लाइट ही बदल जा रहा है, देख सकते हैं आप। फ़ोटो को जूम करके रोटेट कर लेंगे और काफ़ी बारीकी से हम उसको यहाँ पर एडिट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्केच बुक, जिसको आप अपने मोबाइल में आप जो है एप्लीकेशन को इस इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं जो फेस है यानी चेहरा है, इसकी क्लियरिटी कितनी अच्छी दिख रही है, काफ़ी इसमें चेंजिंग हो गया, आपको लगेगा ही नहीं कि वही फ़ोटो है।
तो काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है, इसको आप अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमको जो है फ़ोटो एडिट करते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसमें जूम कर सभी जगह से जो है जितने हमारे फ़ोटोज़ के पार्ट हैं, जो भी एरिया है उसको सिलेक्ट करके अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, कलर टूल का प्रयोग करके यहाँ पर कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके ये लिप्स यानी होंठ पे इसको जो है ब्रश के माध्यम से फ़ोटो को जूम करके यहाँ पर अपने हिसाब से कलर कर लेंगे। लिप्स यानी होंठ को जो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्क्रीन को देखकर चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं, या वीडियो का स्पीड आप लोग स्लो करके भी एकदम धीरे धीरे बारीकी से जो पूरे टूल्स का प्रयोग हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो ये लिप्स हो चुका है, कलर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो है स्केच बुक में इसका जो लेवल है थोड़ा सा ऑपोसिटी कम कर लेंगे, या आप अपने हिसाब से इसका लेवल मैनेज कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से शेयर करेंगे, यहाँ पे अलाउ ऑप्शन मांग रहा है, अलाउ कर देंगे, यहाँ पर परमिशन दे देंगे। तो अब हम अपने फ़ोटो को शेयर करके वहाँ से स्केच बुक से पिक्स आर्ट में आ चुके हैं। तो पिक्स आर्ट भी बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है फ़ोटो एडिटिंग के लिए, तो इसको भी आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें जितने भी ऑप्शन आपको देख रहे हैं जैसे BNW, ब्लर, स्केच, कलर्स, आर्टिस्टिक, तो यहाँ पर हम कलर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने फ़ोटोज़ का कलर यानी जो बैकग्राउंड का कलर आप देख सकते हैं रिप्लेस यू यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कितना आसानी से इसका कलर चेंज हो जा रहा है एक ही जगह से, केवल इसका लेवल घटाने और बढ़ाने पर यहाँ पे कलर दिया गया है, मिनिमम ह्यू दिया है, मैक्सिमम ह्यू, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से उस फोटो का कलर अपने हिसाब से लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है ऑटो, यहाँ पर टूल्स है, इसका मैनुअल है और इरेज है। तो मैनुअल में आप लोग जाएंगे, अमाउंट और सेचुरेशन दिया गया है, इसका लेवल आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे आपको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 50-50 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से बारीकी से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट 50-26 कर दिया गया है। अब डिटेल में जाएंगे, डिटेल में आप देख सकते हैं इसका लेवल 50 है, इसको भी यहीं पे ओके कर देंगे। ऊपर आपको चेक मार्क का राइट यानी दाएं साइड में ऊपर दिख रहा होगा, उस पर ओके कर देंगे तो आपका फ़ोटो जो है जो सेटिंग किए हैं वो ओके हो जाएगा वहाँ से। अब नीचे आप लोग सारे टूल्स देख सकते हैं, यहाँ पे टूल्स हैं, स्केच है, ब्रश टू फोटो, साइज और पावर यहाँ पे दिया गया है, कितना उसका जो ऑपेसिटी है और उसका पावर कितना बढ़ेगा। साइज देख सकते हैं 60 है, तो आप अपने हिसाब से उसका साइज़ बढ़ा लेंगे जितना कि आपको ज़रूरत होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर पहली बार देख रहे होंगे तो कुछ कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और आप अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम ऐड फ़ोटो करेंगे और PNG फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इस फाइल को जब लाएंगे तो इसका ऑपेसिटी आप देख सकते हैं 100 है, इसको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे ताकि ये जो गुलाब का फूल है ऐसा लगे कि हमारे हाथों में बंद है यानी हम इसको हाथ में पकड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं इरेज जो ऊपर का हिस्सा इरेज कर देंगे, बाकी नीचे और ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे। तो ये इरेजर टूल है जिसकी मदद से हम बीच का जो फूल का डंठल है जिसे हम डंडा बोलते हैं या फिर उसका जो भी तना है उसको इरेज कर लेंगे। और ये इरेज हो चुका है, अभी ये हमारा जो गुलाब का फूल था लग रहा था कि हाथ के ऊपर है, अब उसको इरेज कर दिए। अब अगला फ़ोटो यहाँ पर हम अपने गैलरी से ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं गैलरी से ये भी फ़ोटो आ चुका है, ये भी एक PNG फाइल है, एक मोर का फ़ोटो देख सकते हैं, इसको हम अरेंज कर लेंगे फ़ोटो में अपने हिसाब से कहाँ पे फ़ोटो को रखना है। और ये रहा बंदर, मंकी है जिसको हम
यहाँ पर अपने कंधे पे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे यानी व्यवस्थित करेंगे, और इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है। इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ओके हो चुका है। अब इस फोटो को हम सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे इस एप्लीकेशन को। तो गाइज वीडियो हमारा जो है यहाँ पे पूरा हो गया और फोटो हमारा बनके तैयार भी हो गया। तो गाइज आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।